नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन विशेष। और प्रवासी मजदूरों को लेकर के या जो स्टूडेंट्स को लेकर के केंद्र सरकार का जो निर्देश आया है, संबंधित जो राज्य सरकारें हैं वो अपने जो निवासी हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, उन्हें वापस लाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, बस चलाए जा रहे हैं। थर्ड फेज का लॉकडाउन पूरे देश में लागू है। ऐसे में ये नेशनल हाईवे है जो बोकारो से पुरुलिया को जोड़ रहा है। कुछ प्रवासी मजदूर हैं जो कि पटना से पैदल चल के इस वक्त ये पुरुलिया आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल का यही इलाका है जहां इनको जाना है। और अभी बोकारो में ये जो कमलडी का जो इलाका है, पिंडाजोड़ा रोड है, वहाँ पर ये मजदूर अभी पैदल सफ़र कर रहे हैं। और ये गौरतलब है कि ये पूरा सफ़र इन लोगों ने मंगलवार से शुरू किया था और आज आप देख रहे हैं कि रविवार का दिन है और ये पैदल चल रहे हैं। पटना से सीधे आ रहे हैं पैदल जो पुरुलिया जा रहे हैं। हम सीधे इनसे बात कर लेते हैं कि सबको पता है कि क्या परेशानी रही है, लेकिन आपको हम सच्चाई से रूबरू करा देते हैं कि लॉकडाउन के कारण लोग कितने परेशान हैं, पैदल चलने को मजबूर हैं, सैकड़ों किलोमीटर, कई सैकड़ों किलोमीटर। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है पन्नालाल रॉय। पन्नालाल रॉय, तो सर देखो आप पटना से चले हैं? हाँ हाँ। किधर से, क्या रूट रहा है आपका आने का? हम लोग देखो दानापुर से फिर आया, बस ये बस इधर से बिहार शरीफ से निकल गया, बस ये बाढ़ बख्तियापुर होके बस ये कटनोमा पताया घाटी आया और उधर से फिर आ गया। बस ये बस ये बस हम लोग इधर बोकारो से बस उधर से निकल गया। कब चले थे आप लोग पटना से? हम लोग मंगलवार को चले थे। मंगलवार को चले थे आप लोग। रास्ते में जो भी कोई चेक पोस्ट वगैरह मिल रहा है तो कहीं आप लोग का जांच वाँच हो रहा है या किसी तरह का कोई बात हुआ है क्या? नहीं नहीं, बोलता है कि हाँ तो ये बात थोड़ा दिन मशीन लगाता है। अच्छा, ये बोलो हाँ तो जाओ, बोल तुम लोग जाओ घर, जाओ आराम आराम जाओ, तुम लोग का बस कुछ नहीं है, जाओ तुम लोग घर जाओ। ऐसा थर्मल इमेजर का जो स्कैनिंग हुआ है ये कितने जगह पर हुआ है पटना से यहाँ आने के दौरान? पटना से बस ए में बारी में हुआ था, बस एक जगह हुआ। हाँ, और बस और किधर भी नहीं सर। और कहीं रास्ते में खाने पीने का? हाँ हाँ हाँ, बस इधर दिया था, बस हजारीबाग में खाना खिलाया था सब हमको, सब जो केंद्र सरकार का जो है जो वो सब दिया था, पूड़ी उड़ी बस हाँ, सुविधा मिल रहा। हाँ सर हाँ। आप लोग क्या करते हैं वहाँ पटना में? बस हम लोग सेटरिंग का काम करते हैं, बस जो ब्रिज बनता है ब्रिज, बस उसी में काम करते हैं। आप लोग अभी पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, पुलिया के आप लोग रहने वाले हैं, ऐसे में अगर आप लोग बंगाल सरकार से अगर सीधे कुछ अगर कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे ममता बनर्जी को? देखो उससे कहेंगे कि देखो जितना बंगाल का है बस आदमी है और आदमी है सर, ये बस मेरा बस हाथ जोड़ से मेरा बस कहना है कि बस उन सब भाई को बस अपने अपनी जगह पे बस ये दो पहुंचा दो, बस यही मैं दुआ मांगूंगा। कुछ और दो हैं जो कि बात करना चाह रहे हैं, अभी उत्सुक है बात करने को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप लोग सरकार से? और 31 आदमी पीछे छूट गया, 31 आदमी हम लोग एक साथ 41 आदमी वहाँ से निकला था, 30 आदमी पीछे छूट गया, हम लोग 11 आदमी पहुंचा है, पीछे छूट गया होगा वो लोग, तो मतलब वो लोग वो जो जत्था है वो पीछे ही रह गया है, बुरा बुरा आदमी है, चल नहीं पा रहा है, बहुत पीछे है वो लोग। कृपया उनको लेके आइए जल्दी ताकि सब सुरक्षित घर पहुंचे हम लोग। आप लोग बंगाल के रहने वाले हैं, पुरुलिया के रहने वाले हैं, आप लोगों को दूर देश जाना पड़ता है काम करने को लेकर के, रोजगार को लेकर के, ये जो पारिवारिक जीवन है आप लोगों का कहीं वो डिस्टर्ब होता है? अभी पूरा डिस्टर्ब हो गया, इस साल पूरा हो गया, कुछ काम नहीं हुआ, अब तो कुछ होगा भी नहीं, ऐसे भूखे भूखे ही पार हो जाएगा पूरा। सरकार से सीधे क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या व्यवस्था होना चाहिए ताकि हम लोगों का संसार परिवार अच्छा से जीवन बिता सके, ऐसा कुछ इंतजाम करे हम लोगों के लिए, यही बोलेगा सरकार से। अब देखिए हम लोग लगातार बात करते हैं माइग्रेंट लेबर्स को लेकर के, जो प्रवासी मजदूर हैं दूसरे प्रदेशों में जाते हैं काम करने को लेकर के, अब देख रहे हैं कि ये ग्राउंड रियलिटी है, लोग पैदल चल के आ रहे हैं पटना से, ये इनको पुरुलिया जाना है, रास्ते में कई एक जगह है जहां राहत शिविर चल रहा था और इन लोगों को खाना वगैरह मुहैया करवाया गया है, लेकिन बेसिक सवाल वही है कि सरकार को शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के या चिकित्सा को लेकर के बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो संबंधित राज्य सरकारें हैं अगर चाहिए कि उनके जो अस्थायी निवासी हैं वो राज्य से बाहर माइग्रेट ना करें तो रोजगार के ऊपर कम से कम इतना तो ध्यान वो जरूर दें कि उनको घर में काम मिल जाए, अपने राज्य में काम मिल जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को माइग्रेंट लेबर ना बनना पड़े। जेटीएन विशेष के लिए बस इतना ही।